और मुझे अरेस्ट करवाया गया। भारत में संविधान चलता है, भारत में इस्लामिक कानून नहीं चलता है। पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी कि नाजिया ने गुस्ताखे रसूल किया है, कोर्ट से मुझे बेल मिला, मैं आभारी हूँ कोर्ट की। अब पाकिस्तान की बात भारत के कुछ मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? आपके पाकिस्तान में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरे लिए? आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि नाजिया इलाही खान को कलकत्ता पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। तौबा तौबा। और नाजिया इलाही पे इल्जाम क्या लगा था? ब्लास्फेमी, ईश निंदा। और लगवाया किसने? बंगाली मुसलमानों ने। लेकिन ये प्रोपेगेंडा कहाँ से शुरू हुआ और इसकी प्लानिंग कहाँ से शुरू हुई थी, आप सुनोगे ना तो आप अचरज में पड़ जाओगे। नाजिया इलाही खान को अरेस्ट करवाने के लिए सबसे ज्यादा अगर प्रोपेगेंडा कहीं से चलाया गया था, शुरू किया गया था, वो किया था हमारे पड़ोसी पाकिस्तानियों ने। हां भाई हां। ये खुद तो भाई शांति से रहते नहीं है और भारत के अंदर भी उंगली करते रहते हैं। और सबसे अफसोस और तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान की बात को मानने वाले, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चलाने वाले, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की बात मानने वाले हमारे हिंदुस्तान में भी है। तकलीफ तो यही है। मैं ये कहती हूँ कि लानत है इन पर। मैं तो तुम लोगों को सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूँ भाई, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन मुल्क है, वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं चाहता है। तुम पे चार जंगे मुसल्लत कर चुका है, आज भी कश्मीर को लेकर वो मानने को तैयार नहीं है, हठधर्मी पे अड़ा हुआ है कि वो हमारा है जबकि वो उनका है ही नहीं। और वो कश्मीर के लिए साम दाम दंड भेद जो कर सकता है वो करता रहता है, वो हर तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाकिस्तान का जन्म ही हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हुआ है। पाकिस्तानी कभी भी हिंदुस्तानियों का भला नहीं सोच सकते, ये बात इन हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी प्रेमियों को समझ में क्यों नहीं आती है? और पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते भाई, तुम उनको देखो, एंजॉय करो। ये पाकिस्तानी सीरियस लेने के लिए नहीं है, सिर्फ एंजॉय करने के लिए। और ये बात हमारे मेजर सर भी कहते हैं। देखिए, पाकिस्तानी की आप बेइज्जती कर सकते हैं, पाकिस्तानी को आप जलील कर सकते हैं, उसकी मजाक उड़ा सकते हैं, आप उसको सीरियसली नहीं ले सकते। पाकिस्तान बनाया भगवान ने एंटरटेनमेंट के लिए कि बेटा जब नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब अमेज़न प्राइम, टाटा स्काई, जब तुम्हें बहुत महंगा लगने लगेगा, तब तुम पाकिस्तान को देखो और तुम हंसो जिससे तुम्हारा खून बढ़ेगा। ये जो कर लोगे यार, आप इनको सीरियसली क्यों लेते हैं? और ये बात मैं पिछले 4 साल से बोलता आ रहा हूँ कि पाकिस्तानी सिर्फ मनोरंजन के काम के हैं, ये किसी काम के नहीं है, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वाह भाई वाह। तो नाजिया जी के साथ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या प्रोपेगेंडा था, क्या सिचुएशन थी, कब उनको जमानत मिली, कौन सी पुलिस उन्हें लेके गई थी, कौन सी जेल में थी और क्या क्या उनके साथ हुआ, ये खुद बयान करेगी नाजिया इलाही खान। ठीक है जी। इसके पीछे आपका क्या सच्चाई है? काफी लोग क्यूरियोसिटी में है जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था और क्या आया कि आप वाकई अरेस्ट हुई थी या इसके पीछे भी प्रोपेगेंडा है। आपके पाकिस्तान में क्या प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरे लिए? मैम, कुछ पोस्ट वगैरह सोशल मीडिया पे थी और उसके बाद मैंने इंडियन मीडिया पे भी यही देखा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। काफी लोग ये इस पे पूरे पूरे प्रोग्राम, आपने सिर्फ इंडियन मीडिया पर देखा या पाकिस्तान में भी? पाकिस्तान मीडिया पे भी यही था कि हर पोस्ट पे जो है, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे जो है, वो कह रहे थे कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। आखिर क्या रीजन है? पाकिस्तान के मुसलमानों ने जब ये मुहिम चलाई थी तो भारत के कुछ मुसलमान जो पाकिस्तानी दिमाग के हैं, वो कैसे नहीं अरेस्ट करवाते? बिल्कुल करवाते। अब पाकिस्तान की बात भारत के कुछ मुसलमान ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो पाकिस्तान में एक मुहिम चली थी कि नाजिया ने गुस्ताखे रसूल किया है और पाकिस्तान के उस मुहिम का हिस्सा हमारे वेस्ट बंगाल के कुछ मुसलमान बने और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे FIRs करवाए, जिसमें ब्लास्फेमी का FIR था और मुझे अरेस्ट करवाया गया। पर जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। नाजिया जी, ऐसे होता, जिसको राम रखे उसको कौन चखे। तो नाजिया जी, आप भी मुहावरे को अर्थ का अनर्थ मत कीजिए, जिसको राम रखे उसको कौन चखे। असली कहावत यह है, मैं जानता हूँ। और दूसरी कहावत है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। तो कोर्ट से मुझे बेल मिला, मैं आभारी हूँ कोर्ट की, और कोर्ट ने जिस हिसाब से जजमेंट दिया, वो जो ऑर्डर दिया है, वो उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे डिटेन किया था, अरेस्ट किया था मेरे घर पर आकर के, पूरा DSLR कैमरा लेकर के, वो ऑफिसर अभी सोच रहा होगा कि कानून, भारत में संविधान चलता है, भारत में इस्लामिक कानून नहीं चलता है, तो उसको अभी ये सोचना पड़ रहा होगा, क्योंकि जज ने साफ तरीके से लिख करके दिया है कि आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आप किसी के फेशियल एक्सप्रेशन को आप बैन नहीं कर सकते हैं। और जो पुलिस ऑफिसर और जो पुलिस स्टेशन ने ब्लास्फेमी का जो केस मेरे ऊपर लगाया था, वो कोर्ट को बिल्कुल साबित नहीं कर पाया कि मैंने गुस्ताखे रसूल की है। मैंने कूच बिहार के एक बलात्कारी का नाम लिया था, जिसका नाम था मत खैबर,
और एक बलात्कारी था जिसने 12 साल की एक बच्ची का मदरसे के अंदर रेप किया था और 12 साल की मुस्लिम बच्ची को रेप करके प्रेग्नेंट करके भाग गया था, उसका नाम था ओबेस। 2012 5 फरवरी को एक दो मुसलमान भाई अरेस्ट हुए थे, नासिर खान खादर खान। तो इनका नाम लेने की वजह से मुसलमानों के सेंटिमेंट को धक्का पहुंचा और मुसलमानों ने कहा कि बलात्कारी अगर खैबर होगा तो आपको उनका नाम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना भाई, बलात्कार करना कोई धार्मिक काम है, पुण्य का काम है, तुमको शर्म आनी चाहिए। एक तो तुम गलत काम करते तुम्हारी सोसाइटी के लोग, और फिर उनको एक्सपोज करना, उनका नाम लेना भी गुनाह हो गया। मैं तो कहता हूँ जो भी ऐसे घृणित काम करते ना, इन लोगों को तो सरेआम जूते मारने चाहिए। नाम लेना तो बहुत छोटी चीज है इनकी। मैं बलात्कारी का नाम ना लूं, ये तो भाई बहुत अजीब सी बात है। इसलिए कोर्ट को तो भाई मुझे रोक नहीं पाया। 250 से ऊपर मुस्लिम वकील खड़े हुए थे मेरे विरोध में और मेरे सिर्फ 4 वकील ही थे मेरी तरफ से, और कुछ जूनियर्स मेरे खुद के थे जो मेरे फर्म में काम करते हैं। तो मैं 250 वकील खड़ा करने की मेरी ताकत भी नहीं है और मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग भी नहीं हूँ कि मैं 250 वकील खड़ा कर सकती थी। मेरे पास सिर्फ एक ही चीज था और वो था मेरा सच, और उस सच को मैंने कोर्ट के सामने रखा और मैं जीती। मुझे 2 घंटे में बेल हुआ, लेकिन मुझे रोक दिया गया कोर्ट में। तकरीबन बेल होने के बावजूद, बेल बॉन्ड पे साइन करने के बावजूद भी मुझे 5 घंटे रोका गया। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स ने रोका कि शायद अगर मैं बाहर निकलती तो मेरा गला काट दिया जाता, जैसे पाकिस्तान में ब्लैस्फेमी की सजा होती है उसी तरीके से मुझे भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक पनिशमेंट दिया जाता। इसलिए बेल होने के बाद भी मुझे 5 घंटे अंदर छुप करके बैठे रहना पड़ा। जब अंधेरा हुआ, जब लोग थोड़े से खाली हुए और कोर्ट खाली हुआ, तब जाकर के मुझे बहुत सारे ऑफिसर्स ने मिल करके मुझे गाड़ी में बैठाया और उसके बाद फिर मैं घर। है तो बहुत अफसोस की बात, हमें चाहिए कि इस तरह की केसेस ना हो, किसी पे भी ऐसे एलिगेशंस लगा देना पहले, यानी कि पूरी एक तस्दीक होती है, उस पे तस्दीक पे जाकर हम उस अगले बंदे पे चढ़ दौड़ते हैं कि किसी पे भी ऐसे इल्ज़ाम लगा दें। खैर, इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से। इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? 22 सितंबर को जो है वो रैली भी है, क्या समझती हैं, किस तरह देख रही हैं कश्मीर के इलेक्शन को? मैं बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रही हूँ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जिस हिसाब से कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और कल मैं एक नेशनल न्यूज पर, एक बच्चा था शायद 21-22 साल का था, शादाब बोल करके, वो सारे जितने भी नेशनल न्यूज चैनल वाले वहां पर अपना रोड शो करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के बच्चों को ही, जो सिंगर हैं, उनको चांस दिया जा रहा है कि वो वहां पर नेशनल न्यूज चैनल के शो, रोड शो पर वो आए, गाना गाएं, एक अपना जो आर्ट है, अपना जो कल्चर है वो दिखाएं। तो वो बच्चा शादाब कश्मीरी था, वो कह रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले नहीं थी जो अब है। दूसरी चीज है कि ये पूरी दुनिया को पता है कि जिन हाथों में तलवार हुआ करता था, बम गोली बारूद हुए करते थे, पत्थर भी हुआ करते थे ना जी, उन हाथों में आज तिरंगा झंडा है। जिस जुबान पर गालियां हुआ करती थी हिंदुओं के लिए, जिस जुबान पर हिंदुओं का नाम अंधभक्त, गोबर भक्त और काफिर बोला जाता था, आज उस जुबान पर भारत माता की जय है। जिस दिमाग में आतंक भरा हुआ था और हाथ में टायर, जलते हुए टायर जलाने के लिए एनवेलप में पैसा मिलता था, जिस आज उन दिमाग में और उन हाथ में कॉपी कलम किताब है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कश्मीर में, जो लोगों को भी समझ में आ रहा है, वहाँ की जनता को भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। जम्मू एंड कश्मीर की आवाम को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए बुरा है। और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें पाकिस्तानी लोग तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये अपनी हिस्सेदारी डाल रहे हैं, ये जितना हो सकता है उतना भारत के अंदर अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तानी ये कभी भी नहीं चाहते चुनावी प्रक्रिया के अंदर हिस्सा ले, वहाँ पर मतदान हो या मतदान करने की कोशिश करें, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा, अगर वहाँ के लोग वोटिंग के लिए निकल जाते हैं, वोटिंग करते हैं आके, तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो एक तरीके से फेल हो जाता है। तो ये पाकिस्तानी पूरी कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में फिजा खलीफा लगी हुई है, लेकिन फिजा खलीफा को कुछ जवाब देंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक की 370 और 35 से हटने के बाद में उनके जीवन में क्या बदलाव आया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 90 नशिस्तों के लिए 86,92,000 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, और देखते हैं कि जी कितने जो रजिस्टर्ड कश्मीरी वोटर्स हैं ये वोट देने के लिए
बाहर निकलते हैं। कितने लोग बाहर निकलते हैं वो तुम अपनी आंखों से देख लो। ये लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं, श्रीनगर वैली के लोग हैं। सुनो क्या बोल रहे हैं। मोदी जी जब से आए, जब से मोदी जी ने शासन संभाला है सारे हिंदुस्तान में, यहाँ पे डर का माहौल खत्म है। बीजेपी जब से आई है कश्मीर में तो कश्मीर के फायदा ही फायदा हुआ है। हर गरीब को 2,000 रुपया भी मिल गया, किसान को भी मिल गया, दाल रोटी और चावल भी मिल गई, मतलब मुफ्त राशन मिल गई, गरीबों को कपड़े भी मिल गए। वाह भाई वाह। तब कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट नहीं थी जितनी उन्होंने लाई है। कश्मीर को मॉडर्न सिटी भी कहते हैं। आज उन सब की वजह मोदी जी है, क्योंकि शुक्र है अल्लाह का कि ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है। कश्मीर क्यों अपना परिवार माना हुआ है, तो इससे बढ़ के क्या चाहिए। जो परिवार का हिस्सा होता है तो बहुत बड़ी बात होती है। हम 5 अगस्त 2019 जब से यहाँ पे धारा 370 और 35 एक बर्खास्त हुई, तब से कश्मीर आजाद हुआ, तब से हमने खुली सांस ली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद जिस हिसाब से टूरिस्ट का आवाजाही वहां पर हुआ है और टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो अभी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कश्मीर बूस्ट कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर एक अलग मुकाम जम्मू एंड कश्मीर बना चुका है। और अगर आप चाहें तो, क्योंकि मुस्लिम बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर भरोसा करते हैं, अल जजीरा पर भरोसा करते हैं, तो वो उसी के डेटास को जाकर के चेक करें कि बिल्कुल कश्मीर में टूरिस्ट को लेकर के बहुत पॉजिटिव साइन दिखाई दिया है। शिक्षा पर बहुत सारा काम हुआ है, रोड पर बहुत सारा काम हुआ है, हाईवेज पर बहुत सारा काम हुआ है। और अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने कल ही अपनी रैली में बताया भी कि टेररिस्ट और टेररिज्म को हम इतने नीचे जमीन के अंदर दफन करेंगे कि वो कभी भी ऊपर आ नहीं पाएगा। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है। आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों पे फूल बरसा सकते हैं, और आप सच्चे देशभक्त हो तो इन पाकिस्तानियों को पहल भी सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।